दिस न्यूज इज कोस्पॉन्सर्ड बाय एम ढूमने ज्वेलर्स 47C हिमालय एक्सीलेंस नियर पुलिस चौकी प्रताप नगर नागपुर। मध्य आशियाई देशातील येमेन येथील हौती बंडखोरांनी माल वाहू जहाज हायजेक केले होते। या जहाजावर नोकरीस असलेल्या तरुणाची 3.5 महिन्यापूर्वी सुटका झाली। सुटका झालेला तरुण सुखरूप कल्याणच्या घरी काल सायंकाळी पोहोचला आहे। रमजानच्या पवित्र महिन्यात हा तरुण घरी परतल्याने त्याच्या कुटुंबियांचा जीव भांड्यात पडला असून त्याच्या परतण्याने घरी रमजान ईद साजरी झाल्याची प्रतिक्रिया त्याच्या कुटुंबियांनी दिली आहे। सर, पहिले तर आम्ही हमारे रूट पे जा रहे थे सऊदी के लिए कार्गो लेके, तो फिर समझो एक दिन पहले पहुंचने के एक दिन पहले हमारा शिप जो रात में आके लोग ने मतलब हाईजेक किए, जब हाईजेक किए तो हमको लेके गए वहाँ पे हुदेदा में पोर्ट सलीफ में, और वहाँ ले जाने के बाद सब वहाँ ऑफिसर लोग थे, मतलब टाइम जहाज़ में टोटल 11 क्रू थे, उसमें से 7 इंडियन, एक कैप्टन फिलिपिन, चीफ इंजीनियर म्यांमार, चीफ ऑफिसर इंडोनेशिया, सेकेंड इंजीनियर जो था इथोपिया का, ये अलग नेशनलिटी के थे, बाकी 7 इंडियन थे। पहले जब वहाँ पे गए हमको लेके, तो उन लोग ने मतलब हमको बोले कि हम लोग मतलब कोई पायरेसी नहीं है, यानी पायरेसी नहीं है, ये हम तुमको हाईजेक नहीं कर रहे, मतलब हाईजेक किए लेकिन तुम लोगों को कुछ टॉर्चर नहीं करेंगे, तुम लोग बस बताओ कि तुम लोग क्या सामान लेके जा रहे थे, कार्गो क्या था तुम्हारे पास, और तुम में से कोई सऊदी या इमारात का क्रू तो नहीं है, उनको तलाश थी सऊदी या इमारात के लोगों की, इंडियन इनसे कोई लेना देना नहीं था इनका, लेकिन जो कार्गो था हमारे पास सऊदी मिलिट्री कार्गो था, तो जो मिलिट्री कार्गो था तो वो बोले कि ये तुम लोग हमारे दुश्मनों की हेल्प कर रहे, इसके लिए हमने तुमको पकड़े ऐसा। तो उसके बाद सर मतलब एक हफ्ते के बाद फिर घर पे कांटेक्ट किए, घर पे बता दिए कि ऐसा ऐसा यहाँ पे ये यमन में हौतियों ने पकड़ के रखे, तो एजेंट को कॉल करो जिसके थ्रू मैं आया था, और फिर इंडियन एम्बेसी को कॉन्टैक्ट करो, उसको बोलो एजेंट को, वो सब करेगा, लेकिन या ये लोग बोले कि हम तुमको छोड़ देंगे लेकिन थोड़ा टाइम देना, ये लोग ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया कि तुम कहाँ से हो, क्या करते हो, ये 3.5 महीने तक के पूरा चला सिलसिला, और बाद में जाके फिर इंडियन एम्बेसी और या ओमान की गवर्नमेंट वो भी इन्वॉल्व थी इसके अंदर, इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी। उन लोग ने आपको छोड़ दिया? उन लोग ने तो रिलीज डेट हमको 4 अप्रैल को ही बता दिए थे कि तुम लोग रिलीज़ हो चुके हो, लेकिन जो प्रोसेस था वहाँ से निकलने का, तो वो लोग चाहते थे कि उनका जो सना एयरपोर्ट है जो 7 साल से बंद है वो चालू हो जाए, और ये लोग वहीं से जाएंगे, ऐसा उनकी डिमांड थी। और एक फ्यूल का एक शिप का पोर्ट था जिधर ऑयल टैंकर शिप आते थे हुदेदा के अंदर, तो वो भी उनको चालू करवाने का था हम लोग के जाने से पहले, तो वो लोग हमको होल्ड करके रखे थे कि इनको यहाँ पे होल्ड करके रखो और जो भी अपने काम है वो सब काम करवा लो पहले इधर उधर से, ऐसा शुरू में लगा था सर। शुरू में लगा था कि मतलब अभी ये लोग पकड़ लिए, अभी छोड़ेंगे नहीं यहाँ पे, जाने देंगे नहीं, 6 महीना इधर ही रुका के रखेंगे, जब तक इनके पैसे की डिमांड है या जो भी कोई डिमांड है इनकी पूरी नहीं होती तब तक ये नहीं छोड़ेंगे।